अब इस टॉपिक के अंदर आपका इमेज जनरेशन फ्रॉम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स आपके अपने पीसी में आप इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन आपका पीसी जो है वो थोड़ा अच्छा होना जरूरी है अदरवाइज अगर उसके पंखे लगे तो बेचारा रोने लग जाएगा क्योंकि ये एल्गोरिथम बहुत हैवी होते हैं जिस एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है डिफ्यूजन एल्गोरिथम यानी कि स्टेबल डिफ्यूजन को आप कैसे टें फ्लो के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं एंड फॉर दैट यू नीड टू बी A kind of, maybe if you're a beginner, कोई मसला नहीं है यार पांच लाइनों में या दस लाइनों के अंदर तकरीबन आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं यू डोंट नीड टू गो टूवर्ड्स लाइक एक्सपेंसिव वेबसाइट फॉर एग्जांपल मिड जर्नी या इस तरह की और देर आर मेनी फ्री टूल्स एज वेल लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज स्टेबल डिफ्यूजन और स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो स्टेबल डिफ्यूजन को आपको यूटिलाइज करना भी आना चाहिए एंड देन देर आर मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू स्टेबल डिफ्यूजन आर गोइंग वी टू सी नाउ जस्ट गिव मी वन सेकंड मैं अपना जो इंटरफेस uh, है उसे ओपन कर लूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस स्टेबल डिफ्यूजन मीन अगर आप स्टेबल डिफ्यूजन को यूज पहले कर चुके हैं तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं कि डिफ्यूजन एल्गोरिथम होते क्या हैं और क्यों यूटिलाइज किए जाते हैं जस्ट क्विक प्राउंड जी चले डिफ्यूजन एल्गोरिथम असल में वो वाले एल्गोरिथम होते हैं जो बेसिकली आपकी तस्वीर को अगर मैं एक देसी अल्फाज के साथ बोलूं तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसके एजेस और उसकी इंफॉर्मेशन को रिटेन करते रहें और उसके नॉइस को रिड्यूस कर दें मीनस ये कि बड़ी इमेज को छोटे से पार्ट्स के अंदर आप कन्वर्ट करें एंड देन यू डिवेलप न्यू इमेजेस फ्रॉम दैट डेटा सेट तो बेसिकली डिफ्यूजन एल्गोरिथम इस तरीके से काम करते हैं मैं आपको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफ्यूजन एल्गोरिथम किस तरीके से यूटिलाइज किए जा सकते हैं वो दिखाता हूँ

प्लीज़ uh, जरा मुझे सुन लें थोड़े थोड़ी देर फिर इनशाला हम बात करते हैं डिफ्यूजन एल्गोरिथम क्या होते हैं वो एक इमेज का छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आप प्रॉम्प्ट की बेस पे पर टेक्स्ट टू इमेजेस बना सकते हैं बेसिकली आपने टेंसर फ्लो इंस्टॉल करनी है अपने पास कैरास डॉट सी वी कंप्यूटर विजन और अगर आपके पास इंस्टॉल है तो इन्हें अपडेट कर लेना तो जैसे आप इसे रन करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी इन टेंसर फ्लो इन्वायरमेंट देन यू नीड टाइम टाइम मैंने क्यों लिखा हुआ है क्योंकि मैं टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि कितना टाइम लगता है प्रॉम्प्ट के लिए देन यू नीड टू इम्पोर्ट कैरास डॉट सी वी कैरास डॉट सी वी जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ये आपसे ये भी पूछता है कि कैरास डॉट समथिंग एक और लाइब्रेरी वो आपको एरर में देगा वो आपने वो भी इंस्टॉल कर लेनी है तो मेरे माइंड से भी इस वक्त स्किप हो गई बट यू विल सी दैट वैन यू इंस्टॉल दीज थिंग्स फिर आपने ये इम्पोर्ट करनी है मैट प्लॉट लिख भी इंपोर्ट करनी है जैसे आप इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं मैं मॉडल को नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से दिखा सकूँ ये इम्पोर्ट कर लिया हमने चीजें जब आप इनवायरमेंट के अंदर एक्टिवेट करते हैं like ये मैंने पेस्ट किया अब मैंने क्या करना है अब मैंने मॉडल को कॉल करना है तो कैरास डॉट सी वी के अंदर या कीरास जिसे मैं बोलता हूँ उसकी सीवी के अंदर हमने मॉडल्स लेने मॉडल्स के अंदर हमने स्टेबल डिफ्यूजन लिख देना है ठीक है डॉट स्टेबल डिफ्यूजन सिंपल इतनी सी चीज और साथ में इमेज की वेट एंड हाइट मैंने बता देनी है मैं 512 सौ बारह बाई पांच सौ बारह लिख रहा हूँ विच इज काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ट्रेंड फॉर आपके डिफ्यूजन एल्गोरिथम्स के लिए तो ये ना तो बहुत ज्यादा बड़ा साइज है ना बहुत छोटा साइज है इट्स काइंड ऑफ इन बिटवीन तो मैं यहाँ पे इमेज साइज दे देता हूँ मैं तो इसे जब रन करता हूँ ना तो ये मेरा मॉडल ऑलरेडी यहाँ पे आ गया बट जब आप फर्स्ट टाइम रन करेंगे इट विल डाउनलोड फोर टू फाइव मॉडल्स जो तीन से पांच जीबी की स्पेस घेरते हैं मोस्टली कम भी होगी आपकी लोकेशन uh, पे डिपेंड करता है सर्वर पे डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी है पॉइंट से आठ जीबी कम से कम अपने पास सेव रखिएगा मुझे नहीं कंप्लेन करने के मैं डाउनलोड कर रही थी या कर रहा था मेरी स्पेस में गई ऐसा नहीं करना ये कहाँ पे होंगे आपके टेंसर फ्लो के एनवायरमेंट के अंदर जाएंगे माम्बा टेंसो एनवायरमेंट या कोंडा के अंदर तो जब ये आप इसे रन करेंगे तो आपके वो चेक पॉइंट यानी कि चेक पॉइंट क्या होते हैं बेसिकली चेक पॉइंट आपकी वो डॉट पिकल फाइल पता है क्या होती है पिकल क्या थी मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करने के बाद जो हम सेव करते हैं वो पिकल थी ना ऐसे ही है तो वो पिकल की फाइल डाउनलोड करता है और ये अपने अंदर अंदर मॉडल्स के सेव कर लेता है ठीक है आपने एक दफा ही करनी है बार बार नहीं करनी सो फॉर मी इट सोलोस्ट लाइक डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड और आपके सिस्टम की स्पीड पे तो राउंड अबाउट मुझे थर्टी टूर्टी फाइव मिनट्स लगे थे सो यू कैन वन यू आर गोइंग टू स्लीप आज रात को इसे चला के सो जाइएगा घंटा डेढ़ भी लगे तो कोई मसला नहीं है बाकी घर वाले देख देना नेट किधर गया सो so,

अब हमने क्या करना है हमने इमेजेस बनानी है एक इमेज नहीं बनाते जब भी हम किसी भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के अंदर या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम के अंदर टेक्स्ट टू इमेजेस पे काम करते हैं वी एक्चुअली मेक टू इमेजेस जिनको हम बैच बोलते हैं ऐसे ही है बैच बोला जाता है ना तो हमने क्या करना है यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना अपना मैंने यहां पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ ऑफ एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं एन एट द बीच ठीक है

जितने ज्यादा है उतनी स्लो बनेगी इमेजेस मैं इनको पांच रखता हूं सीड का मतलब है कितनी वैल्यू रखनी है मैं इसको आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू रख दे जब भी आप ये वैल्यू रखेंगे तो वैसी ही इमेजेस बनेंगी ठीक है सो दिस इज हाउ यू वर्क एंड देन आप एक फंक्शन बनाते हैं ये वाला जो प्लॉट करता है इमेजेस को इसके अंदर क्या है सिंपली आप जो भी आपके पास इमेज आए

और आप देख रहे हैं कि ये टाइम ले रही है क्योंकि मेरी अपनी जो पावर है वो यूज हो रही है फ्रॉम पीसी अगर आपका सिस्टम बहुत हैवी है उसका मकसद इन चीजों पे काम करना है उनका मकसद ब्राउजिंग करना नहीं होता अगर जीपीयू वाला सिस्टम है ना तो ये चीजें बनाए ये काम करें मैंने पांच ही पॉक्स रखे हैं और इट टुक मी तकरीबन फोर्टी फाइव स्टिल इट्स वर्किंग फिफ्टी यस ले जनाब ये पांच ई की वजह से आप चेक करें यहाँ पे किसी की टांगे आ रही हैं घोड़े की टांगे जो हैं वो वो चलती गई हैं बीच बन गया सारा कुछ बन गया एस्ट्रोनॉट भी है बट देर आर समथिंग जो विच कैन बी इम्प्रूव अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेम चीज में मैं पांच की बजाय पचास ई पॉक्स करता हूँ स्विफ्ट चेंज देखिएगा और मैं क्या करता हूँ इन सभी को एक नए कोड के अंदर रन करता हूं यहां पे ठीक है ये तीन ई पॉक्स थे या तीन स्टेप्स बोलता हूं नंबर ऑफ स्टेप्स जाता है और ये अब मैं 50 पे रन करता हूँ नाउ मिनट पहले भी चल सकता है मेरे पास ये जल्दी भी चल सकता है अभी क्योंकि जल्दी चलना स्टार्ट हो जाएंगे और जब जितने मैं यहां पे बैच का साइज रखूंगा मेरे पास उतनी इमेजेस बन जाएंगे ठीक है लेटसी कितनी बनती है और ये ब्यूटी है जब आपको एल्गोरिथम समझ आना स्टार्ट हो जाना तो बेसिकली आपने मॉडल को डाउनलोड करना और कहीं पे भी चला सकते हैं सो स्टेबल डिफ्यूजन को भी आप काफी जगह पे चला सकते हैं रेप्लिकेट पे चला सकते हैं देयर आर मेनी अदर थिंग्स अपने पीसी में चलाने के लिए तो टेंसर फ्लो ने रिसेंटली ये जो काम किया है ना बड़ा जबरदस्त है बाय द वे इसके बाद इनकी एक नोटबुक ऑनलाइन पड़ी हुई है आई विल शो यू दैट वन तो आप अपने एनवीडिया जीपीयू अगर आपके पास है ना यही एक से डेढ़ मिनट थर्टी सेकेंड में आ जाना है एनवीडिया जीपीयू की वजह से एप्पल पे अभी तक उन्होंने कुछ बनाया नहीं है खुदा के बंदों ने तो एनवीडिया वाले जिंदाबाद उनके लिए बड़ा हैवी काम है एनवीडिया के जिन पास जीपी uh, यू जिनके पास नहीं है नोवरी no ये बेसिकली नॉर्मल वे में मेरा जीपीयू चल रहा है मेरे पास

तो ये मैंने एक बड़ा कॉन्सेप्ट आर्ट का प्रॉम्प्ट दिया था और मैंने तीन इमेजेस बनाई दस स्टेप्स पे और फिर बाद में आप देखें ये चेक करें कि किस तरीके से मेरे पास ये इमेजेस आई थी ठीक है सो यू कैन ऑल्सो और बाय द वे अगर आपने सेव करनी है तो सिंपल सा एक फंक्शन मैंने जनरेट किया फॉर लूप जनरेट किया है जिसके थ्रू सारी की सारी इमेजेस एक फोल्डर में सेव हो जाएंगे लाइक like दिस तो आप उन इमेजेस को फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं सिंपल और एचडी क्वालिटी के अंदर है सो दिस इज जस्ट द बेसिक स्टफ अब ये जो नोटबुक है दूसरे वाली ये नोटबुक मैं आपको भेज भी दूंगा इस नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है सारे का सारा काम कि डिफ्यूजन एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं और आपके पास डिफरेंट किस्म की चीजें जो हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज होती हैं बेसिकली आप क्या करते हैं एक टेक्स्ट देते हैं टेक्स्ट देने के बाद टेक्स्ट इनकोड होता है इनकोडिंग के दौरान दौरान आप उसकी जो ग्वेशन वैल्यूज हैं उनको रिड्यूस करते हैं यानी कि उनका रिड्यूस करते हैं 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 फिर आपके पास आ जाते हैं edges. Edges के ऊपर आप बेसिकली डिफ्यूजन मॉडल को लगाते मल्टीपल टाइम्स और फिर होती है एक इमेज तो डिफरेंट जगहों से आपके प्रॉम्प्ट की बेस पे, की बेस पे पे चीजें आती हैं उनको डिफ्यूज करके फाइनली तो ये घरों तो में तो नहीं होते है, टेस्ला

पहले डेढ़ दो मिनट ले रहा था वो तीस चालीस सेकंड के अंदर हो जाएगा एंड देन यू कैन प्लॉट द इमेजेस तो बेसिकली आपके पास मैकबुक प्रो के अंदर ये ऑप्शन नहीं है एनवीडिया के जीपीयू के अंदर अवेलेबल है सो इफ यू आर रनिंग इन एनवीडिया तो आपके लिए ये एक अच्छा टाइम है टू यूटिलाइज द पावर ऑफ योर जीपीयूज एंड ड्रॉ इमेज ऑन योर पी तो आपको किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है टू ड्रॉ इमेजेस बट देर इज अ बट ऑलवेज बट तो आपके पास काफी टूल्स हैं जिनमें सबसे पहले डाली है और फिर आपके पास अडोबिक फायरफ्लाई है अगर आपको नहीं पता वन ऑफ द बेस्ट टूल्स मिड जर्नी है मिड जर्नी के अलावा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर है इसके अलावा और भी काफ़ी टूल हैं इमेज क्रिएशन के जो टोटली फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन आप उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह की इमेज जो हैं आप उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं इफ़ दे अलाउ यू कुछ टूल्स आपको कमर्शियल यूज़ के लिए अलाउ नहीं करते लेकिन कुछ टूल्स आपको अलाउ करते हैं सो यू नीड टू बी केयरफुल अगर आप इन टूल्स को यूज़ करना जान जाए ना, सिर्फ यूज करना जान जाए आप घर बैठे काफी e e का नहीं पता तो ई e बुक्स को देखें क्या होती हैं ठीक है ई e बुक्स का स्क्रिप्ट बनाएं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी लॉन्च करने वाला हूं कि ई e बुक्स कैसे बनाई जाती हैं ठीक है ई e बुक्स बनाएं E के लिए इमेजेस आप जो कमर्शियली अवेलेबल टूल लाइक जर्नी और एक दफा लें सारी की सारी इमेज बनाने के बाद उसको ऑन e एमजॉन और अदर सर्विसेज यू नीड टू पे इवन सिंगल पैनी आप रजिस्टर करवाएं और डायरेक्टली अपलोड कर दें क्या पता आपकी बुक्स e हाईली क्या यार वो होती है चीज जब ज्यादा चीजें सेल हो जाती हैं टॉप सेलर वायरल बिल्कुल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंडिया का एक बंदा है मलेशियन बेस्ड है उस बंदे ने रिसेंटली एक बुक लिखी थी मेडिटेशन के ऊपर टॉप सेलर बुक गई है एमेजॉन पे यूरोप के अंदर अब वो बंदा स्वीडन के अंदर मेडिटेशन का कोर्स करवा रहा है 500 प्लस लोग हैं सिर्फ सीईओ ऑफ द कंपनी उसमें इनरोल करवा सकते हैं फी कितनी होगी उसकी एनी आइडिया एक बंदे की चार से पांच हजार यूरो विच इज अराउंड पंद्रह लाख और सिर्फ उस बुक की वजह से क्योंकि लोगों ने मेडिटेशन की उसकी बुक पढ़ी है उसकी मार्केटिंग ब्रांड इतनी बड़ी बन गई है कि एक दफा वो शिकागो में करवाता है एक दफा स्वीडन या एस्टोनिया so के अंदर सो जस्ट इमेजिन कि पावर क्या है ई बुक्स की जाहिर बात है जो आ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी टीम है इनशाला अगर में से कोई हमें ज्वाइन करता है उन चीजों के लिए जिसमें हम सॉफ्टवेयर बनाने का सोच रहे हैं एक अच्छे वाला टॉप नॉच का और सेकंड थिंग इज हम ई बुक्स के ऊपर भी काम करने वाले हैं विच कैन एक भी हिट हो गई ना हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक बुक नहीं याद तो यार आपने वो हैरी पॉटर देखी होगी या उसकी बुक्स के बारे में सुना होगा जब लिखी गई थी तो उसको कुछ भी नहीं मिला लेकिन सात आठ साल बाद वो हिट हुई तो उसकी टॉप सेलर बुक रही और बिलियंस में कमाया उन्होंने सो बुक्स हैज दैट पावर स्टिल नाउ और इन ये काम चल सकता है मैं पैसों की बात नहीं कर रहा यहाँ पे लेकिन एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ कि आपकी ई बुक केक भी जाती है टॉप पे तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं एंड राइटिंग ई बुक्स इन दीज डेज इज अ पीस ऑफ केक कैसे वो बिल्ला अब यहाँ पे मैं इस लेक्चर को स्टॉप करता हूँ